ଝିଅଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେଲେ କେଜେନି ମୋ ବୋଉ ଜନ୍ମ ଦେଲା। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से और एक न्यू वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो दोस्तों ये देखो, इधर लवली सुबह सुबह क्या कर रही है, देखो सुबह सुबह खेल रही है आज। और इधर है मैडम और लवली। मैडम सुबह सुबह चाय बना रही है, चाय उधर देखो, चाय हो रही है सुबह सुबह। मैडम डेली डेली मैडम अभी सुबह सुबह चाय बनाती है और लवली पीती है डेली चाय। कल पिया था ना चाय, गरम चाय। नो नो, मैडम को देखो बार बार सो जाती है अभी। ए, ए। तो ये देखो मैडम का अभी चाय बन रहा है। तो आज मेरे लिए शायद नहीं हो रहा है क्योंकि मैं चाय पी थी। और सुबह सुबह देखो ये आ गया अभी लवली को खिलाने के लिए। कितना सारा फ्रेंड उसका, पूरा छोटा बच्चा पार्टी पूरा। कितना देखो, एक दो तीन और लवली को मिला के चार। और राखी भी आज बोल रही है। राखी क्या बोल रही है देखो, चाय पीते पीते बोल रही है हाय हाय फ्रेंड। इतना वो नहीं बोलेगा, वो डेली इसको कभी भी मैं पूछूंगा तो ये नहीं बोलती। अरे देखो कितना हल्ला मचा रही है आकर। लवली को देखो कितना खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। उसका फ्रेंड उसका कंघी में क्या कर रहा है, हाँ कंघी में हेयर स्टाइल कर रहा है ना अच्छा से। उसके लिए आज लवली खुशी हो गया पूरा। अरे ये बदमाश अर्पिता देखो, ये सबसे बदमाश वही है। तो दोस्तों ये काचा बादाम जो सॉन्ग है अभी पूरा वर्ल्ड में सॉन्ग फेमस है। वो भुवन वाद्यकर जो वेस्ट बंगाल का एक बादाम बेचने वाला है, वो इस सॉन्ग को कैसा गा दिया मालूम नहीं। वो गाना को कोई एक बंदा उसको छोड़ दिया था, वो गाना हो गया पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। किधर भी यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, किधर भी देखो ये गाना अभी तो आप लोग को सुनने मिलेगा, काचा बादाम। तो राखी भी इस गाना को बहुत टाइम सुनता है, लवली भी इस गाना को सुनता है। देखो अभी कैसे सुनेगा लवली। डांस करो लवली इस गाना में। नो 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 नो। लवली कैसा डांस कर रहे हैं काचा बादाम में। तो दोस्तों अभी देखो राखी अभी क्या कर रही है, फिर सुबह सुबह खाना बनाने के लिए पूरा ये मसाला रेडी कर रही है। तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, राखी को एक्टिंग करना नहीं आता है? तो थोड़ा इधर देखो ये कैसा एक्टिंग करता है, थोड़ा इधर देखो। जब टिकटॉक चलता था ना 2019 में, वो टाइम में हम दोनों टिकटॉक में वीडियो बनाते थे, लेकिन इसमें 50 वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। वो टिकटॉक सरकार टिकटॉक को बैन ही कर दिए, तब से हम लोग वीडियो बनाना छोड़ दिए थे। लेकिन ये जो मेरा यूट्यूब अकाउंट है ये बहुत पुराना अकाउंट है। वो 2014 में मेरे को भी मालूम नहीं था मैं यूट्यूब में कैसे ज्वाइन कर गया था। वो टाइम में यूट्यूब में बहुत बड़ा बड़ा वीडियो अपलोड करना पड़ता था। तो वो टिकटॉक तो शॉर्ट वीडियो 15 से 1 मिनट के अंदर उसमें वीडियो अपलोड होता। तो अभी यूट्यूब में भी ऐसा हो रहा है, यूट्यूब भी अभी शॉर्ट में ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसके लिए राखी का आप लोग देख सकते हैं, उसमें शॉर्ट वीडियो में राखी परफॉर्मेंस अच्छा करता है। तो थोड़ा वीडियो देख लो, मेरा पीछे साइड में वीडियो चल रहा होगा जो कि कॉमेडी वीडियो एक राखी और मेरा शूट हुआ था। कॉमेडी वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना। टिकटॉक में पहले तो छोटा छोटा ही वीडियो हम डालते थे ना, तो लॉन्ग वीडियो हम लोग पहले नहीं बनाते थे। जब से मैं यूट्यूब में आया हूँ तब से मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। हम कोशिश करते हैं आप लोग को एंटरटेनमेंट करने के लिए, पूरा कोशिश करते हैं। और राखी उसके लिए अभी थोड़ा उसको पहले क्या होता था, कोई दूसरा का आवाज़ को हम लोग कॉपी करके वीडियो बनाते थे। अभी जो लॉन्ग वीडियो हम यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं पूरा देख सकते हैं, मैं ही खुद ही वीडियो में बोलता हूँ। तो राखी को उतना बोलने को नहीं आता है, लेकिन लवली अभी थोड़ा थोड़ा वीडियो में बोल रहा है। ठीक है, वो कुछ भी कुछ करता रहता है। तो फ्रेंड
आप लोग का वो वीडियो देखकर मालूम हो गया, हम पहले टिकटॉक में वीडियो बनाते थे, बाद में टिकटॉक बंद हो जाने के बाद हम लोग कितना शायद 3 साल तक जो सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड करना बंद कर दिए थे। फिर अभी कुछ 6-7 महीना हुआ है मैं यूट्यूब में आया हूँ, तो उसी दिन से रेगुलर मेरा वीडियो आ रहा है। और अभी कुछ दिन से तो 15-20 दिन होगा मैं कंटिन्यू ही वीडियो अपलोड करता हूँ मेरा चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरा वीडियो को प्यार इतना दिन से देते आ रहे हो, ऐसा ही आगे का वीडियो में भी इतना ही प्यार देते रहना, तभी भी मेरा चैनल आगे में जाकर जरूर एक दिन ग्रो करेगा, आपका भाई भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग आज चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी हमारा ऐसा मज़ेदार वीडियो आएगा आप लोग के पास जल्दी उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे कल और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय।